हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा शिक्षा एवं मनोविज्ञान। ये भाग 6 होने वाला है। ये प्रैक्टिस पेपर के रूप में है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सफलता के करीब होंगे। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस ग्रुप में फिर से एक बार क्वेश्चन लेके आया शिक्षा मनोविज्ञान, जो परीक्षा उपयोगी होगा, जो सेलेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके लिए उपयोगी होंगे। जो बच्चे अभी भी मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए करीब करीब 60-65 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो कि बाल विकास, मनोविज्ञान से संबंधित, GS से संबंधित और कंप्यूटर संबंधित भी है। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जिसको आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो अपनी तैयारी को परखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, ये आपको बताना होगा कि अध्ययन विषय क्या है। चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार या आत्मा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा, मानव व्यवहार। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण माने होता संवाद। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या उद्देश्य केंद्रित, इसमें से आपका कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। फ्रोवेल, किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, पेस्टोलॉजी के अनुसार। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम या मानवतावादी उपागम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, सृजनवादी उपागम। बच्चा सृजन करके कुछ सीखता, जल्दी सीखता है, तो ये सही उपागम होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति के सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अगर बात किया जाए तो सबसे अच्छा डी आएगा, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति एवं समझ पर आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ और अनुप्रयोग आधारित, केवल वस्तुनिष्ठ, इसमें से आपको बताना है। सबसे अच्छा होता है वस्तुनिष्ठ और विषयगत होना चाहिए, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना चाहिए। जैसे आप लोग, आप जैसे मैं आपको दिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और विषयगत संबंधित होना, विषय से संबंधित होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने हैं, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, अध्यापक में कुंठा, सीखने की समृद्ध संसाधन। अगर बहुभाषी विद्यार्थी है, उसको एक या दो से अधिक भाषाएं का ज्ञान है, तो इसमें सीखना ही होगा, माने सीखने में समृद्ध संसाधन है उसके पास, और लोगों के पास सिखा सकता है, लोगों को बता सकता है, उसके पास जानकारी का अभाव नहीं होगा, तो ये सही आंसर होगा, सीखने की समृद्ध संसाधन। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे? सही आंसर तो ये होगा, वैसे हम मास्टर चारों में से पहले वाले को निगेटिव अपना सकता है, पढ़ाना बंद कर सकता है, बच्चों को ध्यान नहीं देगा अपना, या तो पढ़ा अपना चुपचाप काम कंप्लीट किया और चल दिया। लेकिन सही अगर बात किया जाए तो कारण, भाई क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, कारण जानने की हम कोशिश करेंगे, तो सही आंसर आपका डी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र होता है, ये बुद्धि लब्धि जो बोलते हैं यहाँ पर, तो उसका सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु
अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। वास्तव में यही इसका सूत्र है, जो बुद्धि लब्धि आई क्यू होता है, ये क्यू होता है, मानसिक आयु उसकी क्या है और वास्तविक आयु इंटू 100 से अपन भाग दे के गुणा करके इसका आकलन किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने की कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो ये क्रियात्मक शोध का ज्ञान अगर शिक्षक को है तो ये आंसर आ जाएगा इसका कि इसके माध्यम से बच्चों की समस्याओं को पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के विद्यालय कभी ना अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु हम क्या करेंगे ये बता रहा है। विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई है, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही गई है। तो सही आंसर इसका भी आएगा, ऐसे बच्चे लोग जो पाठशाला छोड़ देते हैं, नहीं आते हैं, छोड़ के चले गए हैं, उनके विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। यहां पर आपको सुमेलित करना है, अर्थात जोड़ी बनाना है। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको याद होना चाहिए। एक तत्व का सिद्धांत, बहु तत्व का सिद्धांत, समूह तत्व का सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत, इसमें से आपको बताना है। एक तत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया, जो हमको मालूम होना चाहिए। बहु तत्व का सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया था और समूह सिद्धांत की बात किया जाए तो ये थर्स्टन का है और त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। इस प्रकार 12 का जो आंसर आएगा डी आएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षक की अनुपस्थिति, विद्यालय में बच्चों का नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर, शैक्षणिक पिछड़ापन। अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात किया जाए तो उसका जो क्षेत्र होता है शैक्षणिक पिछड़ापन क्यों है, इसका कारण जानने का प्रयास, आंसर डी आएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सहशैक्षिक सत्रों का नियमित रूप से आकलित करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियों को आयोजित करना, अंक या इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित से आकलित करना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ध्यान रखेंगे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, पुरस्कार का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता उत्पन्न करना, बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन बोला है भाई क्रिया प्रेरणा प्रक्रिया शिक्षा के प्रक्रिया प्रेरणा का महत्व है, प्रेरणा का महत्व है तो हमको क्या पुरस्कार का प्रलोभन देकर प्रतिद्वंदिता तो उत्पन्न मत करवाओ। तो ये वाला कार्य सी वाला नहीं आएगा, पुरस्कार का प्रलोभन देकर केवल प्रतिद्वंदिता उत्पन्न करना ये मास्टर को नहीं करना चाहिए। कार्य का लक्ष्य स्पष्ट करना चाहिए, शिक्षार्थियों को सामाजिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए और बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना चाहिए, सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्र दर या गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? टर्मन एवं ओडन द्वारा, कैरल एवं मार्टिन्स द्वारा, आर डब्ल्यू टेलर द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आर डब्ल्यू टेलर की परिभाषा है। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी
इन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। सही आंसर तो यह है कि बच्चा जब भी कार्य करे तो सही है गलत है, उनको अच्छा प्रोत्साहन उसी समय दिया जाए जिससे वो और ज़्यादा उत्साहित हो सके। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किसी व्यक्ति के गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? निमोथेटिक दृष्टिकोण, आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण, सामान्य दृष्टिकोण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर भी आएगा आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की संस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्य का सम्मान, परीक्षाओं का लचीलापन। ये तो सब है लेकिन ये वाली बातें नहीं की गई, विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञान का बाह्य जीवन में जोड़ना बिल्कुल सही है, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्य का सम्मान करना और परीक्षाओं में लचीलापन होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि बच्चों की भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि, यह आपको बताना है, उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, भाषाई कौशल के विकास से तो गतिविधियों को आयोजित की जानी चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, उपरोक्त सभी इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी, इस सब क्रियाविधि द्वारा बच्चों का भाषाई विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कक्षा कक्ष के बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन के बच्चों में को बैठाना चाहिए, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सके। सही आंसर तो ए आएगा, कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप ही उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय या केरल विश्वविद्यालय? सही आंसर इसका सी आएगा, केरल सॉरी कोलकाता विश्वविद्यालय में 1916 में इसकी स्थापना की गई थी एन सेन गुप्ता द्वारा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है? ये आपको बताना है, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों के पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल या दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल? सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर सी आएगा, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से, इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? तेज गति सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, धीमी गति सीखने वाले बच्चों पर कोई यहाँ पर आगे नहीं दिया, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के सीखने हेतु लेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता हम धीमी गति से सीखने वाले बच्चों से सीखने हेतु लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो, बात करने वाले को दंडित करता हो, उदासीन हो, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल आप लगा सकते हैं सब चीज़ को, कि जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में लगाया जा सकता है, तो उनका बातचीत भी पूरा हो जाएगा और सीखने का भी काम पूरा हो जाएगा और ज़्यादा उत्सुकता से बच्चे सीखेंगे। प्रयोजन विधि का प्रतिपादक कौन है? दुर्खिम, किलपैट्रिक, प्लेटो या सुकरात? सही आंसर भी आएगा, प्रयोजन विधि का जो सिद्धांत दिया था ये प्लेटो महोदय ने दिया था। मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? उद्देश्य अधिगम अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण छात्र अध्यापक उद्देश्य, छात्र समाज व अधिगम का अनुभव, छात्र परीक्षा व परिणाम। सही आंसर ए आएगा, उद्देश्य अधिगम अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए, ये आपको बताना है, शांत
शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण, मैत्रीपूर्ण। अब शोरगुल से भरा तो होगा नहीं, इसको काट दीजिए। अब शांत, अनुशासन पूर्ण और मैत्रीपूर्ण, ये तीनों में से आपको छांटना होगा। तो वातावरण सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए सबसे अच्छा जिसमें अगर आप छांटोगे तो। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? औद्योगिक, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक या अनुदेशन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, ये कठोर शिल्प उपागम उपागम इंजीनियरिंग पर आधारित है। कठोर शिल्प उपागम ज्यादा ज्यादा मशीनों का प्रयोग पर बल देता है, जैसे प्रोजेक्टर, स्कूल में प्रोजेक्टर हो, कंप्यूटर हो, ये सीखने पर जो ज्यादा बल देता है, मशीन पर ज्यादा बल देता है, इसलिए हम लोग इंजीनियरिंग उपागम के नाम से भी इसे जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है। यदि कोई विद्यार्थी आनंद और रुचि के साथ कठिन अभ्यास, अध्ययन और अभ्यास करता तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक जुड़ाव, स्वस्थ समायोजन, व्यवहारिक जुड़ाव या भावनात्मक जुड़ाव? सही आंसर डी आएगा, हम उसे भावनात्मक जुड़ाव की संज्ञा देंगे यदि वह आनंद रुचि के साथ कठिन अध्ययन में अभ्यास करे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।